हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए पनीर बटर मसाला की बहुत ही क्रीमी रेसिपी लेकर आ चुके हैं। यह रेसिपी सभी को बहुत पसंद आती है। सभी लोग इसे रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद करते हैं, इसलिए आज हम आपके लिए बहुत इजी तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर बटर मसाला की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर बटर मसाला बनाना। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में बटर लेंगे। बटर से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बटर के साथ ही इसमें हम 2 टीस्पून ऑयल का यूज़ भी करेंगे, जिससे कि बटर हमारा जले नहीं। अब इसे गर्म होने देंगे। बटर के गर्म होने पर अब इसमें हम कुछ मसाला का यूज करेंगे। इसमें 3 से 4 बे लीफ डालेंगे, 2 टुकड़े लाल मिर्च के। अगर हमारे घर में जैसे मिर्चें सूख कर लाल हो जाती हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 लौंग और 4 से 5 दाने काली मिर्च के डालकर चलाएंगे। इन मसालों को हमें हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद इसमें हम 2 प्याज डालेंगे कटी हुई। प्याजों को डालने के बाद उनको हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। 1 हरी मिर्च कटी हुई, जिसके कि हमने बीजों को निकाल लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करेंगे। टू टीस्पून धनिया पाउडर, जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके पीसा है, उसको डालकर फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है, इसमें से बटर व प्याज की बहुत ही अच्छी सी महक आने लगी है। इस टाइम इसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर डालकर चलाएंगे। मसालों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसमें से खड़े मसालों की बहुत ही अच्छी सी महक आने लगी है। इसके बाद इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर, जिनको हमने बारीक काट लिया है, उनको डालेंगे। इसमें टमाटर की ही ग्रेवी होती है, आप अपने अकॉर्डिंग टमाटर ले सकते हैं। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब इसको 1 प्लेट से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब 2 मिनट बाद इसमें से ऑयल रिलीज हो चुका है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें से खड़े मसालों को अलग कर देंगे, जिससे कि खड़े मसाले इसमें पिसे नहीं। अब इसे ठंडा करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में फिर से बटर के कुछ पीस डालेंगे और 1 टीस्पून ऑयल। बटर गर्म होने पर पेस्ट डालकर, हमारा जो पेस्ट है उसे डालकर फ्राई करेंगे। इसे एक बॉईल आने तक चलाना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें स्मूथ ही रखनी है। हमने 200 ग्राम पनीर को पहले ही काट लिया है, इसे इसमें डालकर चलाएंगे। पनीर डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालेंगे, इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। होटल में सबसे ज़्यादा पनीर बटर मसाला की ही डिमांड होती है। इसमें स्वाद के अनुसार 1/2 टीस्पून नमक और डालेंगे। नमक हमको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही पकाना है। 4 से 5 काजू के टुकड़े डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अब हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे सर्व करेंगे
आप देख सकते हैं हमारा पनीर बटर मसाला कितना क्रीमी बना है। इसमें हम कसूरी मेथी को पीसकर ऊपर से डालकर सर्व करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय फ्रेंड्स।